ये वही कलाकार है जिन्होंने अभी जो एक्ट किया और धुआं उठा दिया भाई मंच में। पूजा जो कि बीबी बनी थी, ठीक है, फौजी के भाई बनी थी जो, वो भाई देख लो ये है फौजी की ईजा, मतलब फौजी की मम्मी। हाँ, ईजा बोलते हैं, ईजा हमारे यहाँ बोलते हैं बॉय, ठीक है। और जो भाई कैसे एक्ट लगा आपको, इन दोनों का एक्ट लगा कमेंट कीजिए कैसे लगा। भाई हमारे तो आंसू आ गए थे कैसे में, मतलब रियल लगा कि हाँ आंसू आ रहे हैं भाई, पूरा एक्टिंग चल रही है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी भाई वीडियो। तो कमेंट कीजिए भाई कैसे लगा, गौशाला बेदल घर से। और आपका दगड़ी जो रेडी हो चुका है, अब जा रहे भाई हम लोग मंच पे। और आज लास्ट डे है बेदल घाट महोत्सव का, तो पीछे जी प्रधान जी सब लोग रेडी हो चुके हैं भाई। और आज ही रात को हम लोग 1:30 बजे जो है वापस निकलेंगे दिल्ली तरफ, क्योंकि सुबह कल ऑफिस जाना है। तो और भाई गर्मी हो रही है हमें तो भाई, मेरे को सचिन भाई को तो भाई इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा, पूरे शरीर में रेड रेड हो गया है, रेडनेस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो चुकी है, क्योंकि हम पानी में गए थे, पानी अपने हमें क्या हो गया, दिक्कत हो गई है। तो कपड़े पहने भी नहीं जा रहे भाई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि कपड़े भी हम लोग पहन नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बाकी यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, इतना प्यारा व्यू है यहाँ का, धूप है बस भाई, दिन में धूप है बस, सुबह और शाम के टाइम तो रात के टाइम में भाई मज़ेदार है, बताऊँ अच्छा लगता है मज़ेदार। और ये है डिनाई डेयरी, हम हमारे बड़े भाई है राहुल अरोड़ा जी है, ये उनका निवास स्थान है। और ऊपर भी उन्होंने बना रखा भाई, बहुत ही बड़े बनाई गेस्ट रूम है, मतलब गेस्ट रूम है। और ये गौशाला था, अब गौशाला भी उन्होंने ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, इन्होंने कर रखा है हमारे राहुल अरोड़ा जी भाई ने, ठीक है। और मैं क्या दिखाऊँ आपको यहाँ पर, बाकी मंच मिलते हैं तो बने वीडियो के साथ। रेडी हो चुके हैं, बस चलते हैं सीधा प्रधान जी हमारे, ये हमारे अध्यक्ष साहब वहीं से यहाँ से रवाना होंगे दिल्ली रात को 2 बजे 1:30 बजे जो भी होंगे फ्री होते हैं दिल्ली जाएंगे। ओ एवरेस्ट माउंटेन रेडी हो चुकी है भाई साहब, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। हरीश दा भी देखो गाड़ी बैठे हुए हैं इस वक्त, हरीश दा हमारे तो भाई भगुदा बना रहे हैं। ये क्या बोलते बाबा, क्या बोलते बुढ़िया, बोलते बुढ़िया, बुढ़िया का वाल, बुढ़िया का वाल, ठीक है, सॉफ्टी खा रहे हैं, सॉफ्टी। ये प्रधान जी खा रहे हैं सॉफ्टी भाई, अच्छा अच्छा है प्रधान जी, चूसो चूसो। रेडी हो चुके हम लोग परफॉर्मेंस देने के लिए, भाई मजा आएगा। आज लास्ट परफॉर्मेंस हम लोगों की है, लास्ट डे है बेताल महोत्सव 2024 का, साथ ही मेरे सभी कलाकार, साथी कलाकार, ठीक है, सब रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, हमारे सब रेडी हो चुके हैं देखो। और हमारे प्रधान जी का जो एंट्री है आज वंदना में एंट्री है प्रधान जी की, तो आज प्रधान जी में धूम मचाएंगे भाई, ठीक है। बोले बड़ी साहब फिर मिलते हैं, और हमारे विधायक साहब आ गए भीमताल से, विधायक साहब आ गए भीमताल से भाई मिलने के लिए, स्पेशली मिलने के लिए आए, ठीक है। तो अब मिलते हैं मेरे साथ में, सर्वप्रथम यहाँ पर विराजमान सभी दीदी भूली भयबंद ताना सेना छोटा ननियाल सभी गणेश को प्यार भरो नमस्कार प्रणाम शिव साली और भैरा होया होली का गणेशा गणेश।
अब जो एक्ट हो रहा है वो हो रहा है रामी बोलानी, जिसमें कि आरू बनी है सास, मुझे बनी है बीवी, भगुदा बने हैं बाबा, मतलब उनके पति। हम लोग जो है यहाँ से देखने जा रहे हैं बाहर की, क्योंकि रामी बोलानी बहुत ही मार्मिक और हृदय पे लगने वाला रोमांचक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है और हमने भी सुनी हुई है, पर जब जब इस कहानी को हम देखते हैं तो लिटरली हमारी आंखों से जो है आंसू तो निकल उस गाने को गाए हमारे आदरणीय हमारे स्वर्गीय ठीक है गौर बाबू गोस्वामी जी ने, है ना जी जी, उन्होंने गा गया, बहुत ही अच्छा गा गया, बहुत अच्छी देखने का था कि उस समय का गीत है जो कि आज भी मंचों में चलता है, मंचों में दौड़ रहा है, ठीक है आप देखिएगा। भगवान पूर्व ने भी इसी धरती पर इंतजार पर धरती की गोद को चीरते हाथ जोड़ी जावा झटपट स्वामी की थाली माज का स्वामी की थाली ये वही कलाकार है जिन्होंने अभी जो एक्ट किया धुआं उठा दिया भाई मंच में, हमारे बग्गूदा ने और हमारे दो मतलब ये बेटे थे और बाबा बने हुए थे, तो ये जो एक्ट रेल में जो भाई आंसू निकाल दी कसम से कह रहा हूँ, और ये है हमारे पूजा जो कि बीबी बनी थी ठीक है फौजी के भाई बनी थी जो, और भाई धुआं उठा दिया कसम धुआं उठा दिया, मैं अब बता रहा हूँ सास से मतलब फौजी की मम्मी से ईजा से, तो भाई देखो ये है फौजी की ईजा मतलब फौजी की मम्मी, हाँ ईजा बोलते हैं ईजा हमारे यहाँ बोलते हैं बॉय ठीक है, और जो भाई कैसे एक्ट लगा आपको इन तीनों का एक्ट लगा कमेंट कीजिए कैसे लगा, भाई हमारे तो आंसू आ गए थे मतलब रियल लगा कि हाँ आंसू आ रहे हैं भाई, पूरी एक्टिंग चल रही है बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी भाई वीडियो, तो आप कमेंट कीजिए भाई कैसे लगा,
अरे अल्मोड़ा मेरी आया, देखती मैं अल्मोड़ा ने
तो दगड़ियों हम प्रस्थान हो चुके हैं दिल्ली की तरफ और मौसम देखो कैसा हो रखा है, इसमें मौसम अच्छा हो रखा है और तो दगड़ियों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने निवास स्थान अपने कर्म भूमि दिल्ली में। ठीक है, और अब मुझे फिर ऑफिस जाना है, अभी 8 बजते हैं, अब मुझे ऑफिस जाना है दगड़ियों। और भाई बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत लंबा सफ़र था, 3 दिन का परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया रहा, बेतालघाट महोत्सव बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और यार लास्ट दिन थोड़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पे जब परफॉर्मेंस हुई तो उसके बाद क्या हुआ, एक मतलब गाड़ी थी, ठीक है, पिकअप थी, उसमें जो है पिकअप हम उनके जो वहाँ पे लोग 32-33 लोग थे उस पिकअप के अंदर, उस सभी लोग हमारे परफॉर्मेंस देखने वहाँ आए थे, हमारे डांस देखने, हमारे आवाज़ सुनने वहाँ आए हुए थे। ठीक है, उसमें से यार 4-5 लोग जो है ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं कि वो जो पिकअप था वो पहाड़ से नीचे गिर गई थी, 2-3 खेत नीचे गिर गई, तो उसमें कुछ लोग की डेथ हो गई है, कुछ घायल हैं। यार बहुत दुख हुआ सुन के कि ऐसी बात है, क्योंकि एक दिन प्रोग्राम और एक्सटेंड हो गया था, मतलब एक दिन और बढ़ गया था प्रोग्राम, तो उसको फिर रोक दिया गया है। ठीक है, बहुत दुख हुआ सुन के कि यार जो लोग हमें देखने आए हमें सुनने आए हैं आज उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, बहुत दुख हुआ। और भाई बस भगवान से ये प्रार्थना है कि यार जिनकी चोट लगी है उनको जल्दी स्वस्थ करें, ठीक करें, और जो एक्सपायर हो गए हैं उनके घर वालों को हिम्मत दें। ठीक है, क्या बताऊँ यार, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, पर बहुत दुख हुआ सुन के यार, क्या बोलूँ इसमें से, अब कि जो लोग हमें देखने आए आज वही लोग इस दुनिया में नहीं हैं। उसमें शायद में भी एक लड़की थी जो 21-22 साल की थी, और कुछ दो हमारे बुजुर्ग थे शायद में भी, मुझे भी ढंग से पता नहीं है, बट इतना कुछ पता कि ऐसी बातों को एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि जीप गिर गई थी, एक के बैग नीचे जो है पूरा जीप पे टायर आ गया था, जो पिकअप है उसमें टायर आ गया था, मतलब जीप भी ज़्यादा, बट जो पिकअप है ज़्यादा ऊपर नहीं गिरी, मतलब ऊपर नीचे नहीं गिरी, मतलब 2-3 पलटी मारी उसने, तो उसमें जो 32 लोग बहुत होते हैं यार एक पिकअप में। ठीक है, लोडिंग पिकअप थी। ठीक है, तो यार क्या बताऊँ यार, बस यही शांति दे उनके आत्मा, भगवान शांति दे, परमात्मा शांति दे, यही बस कामना करता हूँ। और आई होप दगड़ियों आपको वीडियो बहुत पसंद आई, जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पेमेंट कमेंट कीजिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय उत्तराखंड।